Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. इस वीडियो में आप सीखेंगे how to measure mud weight and mud viscosity at oil and gas drilling rig. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है जी, what is drilling mud? In geotechnical engineering, drilling fluid is used to aid the drilling of the borehole into the earth. लिक्विड ड्रिलिंग फ्लूड इज ऑफन कॉल्ड ड्रिलिंग मड. क्या आप जमीन में जो आप बोर करते हैं उसके लिए जो ड्रिलिंग फ्लूड इस्तेमाल किया जाता है उसको ड्रिलिंग मड कहते हैं. व्हाट इज अ मड वेट? इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, मड वेट इज द डेंसिटी ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूड एंड इज नॉर्मली मेजर इन पाउंड्स पर गैलन पीपीजी. जो ड्रिलिंग फ्लूड की डेंसिटी होती है उसको मड वेट बोलते हैं और ये पाउंड पर गैलन में मेजर की जाती है और इसको मड बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं. अब आ गए यूनिट्स ऑफ मड वेट. मड वेट इज मेजर इन पाउंड पर गैलन पीपीजी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसके तीन यूनिट हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलो पास्कल पर मीटर, पीएसआई पर फीट. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको पीपीजी में जाना हो तो आप इसको सिंपली 8.33 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये पीपीजी में आ जाएगा यूनिट. और किलो पास्कल पर मीटर को आप 1.176 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर पीपीजी में आएगा. और पीएसआई पर फीट को 0.052 से डिवाइड करें तो आंसर इधर पीपीजी में आ जाएगा. अभी देखते हैं व्हाट इज मड बैलेंस. एट ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग, मड बैलेंस इज आल्सो नोन एज मड स्केल टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड. जो ड्रिलिंग फ्लूड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए मड बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसको मड स्केल भी बोलते हैं. या पिक्चर में देखें कुछ इस तरह का होगा. अभी इधर आप डिटेल में मड बैलेंस को देखें. ये सबसे पहले नीचे इसकी ये बेस है, ये लेवल बबल है. यहां से आप इसका लेवल देख सकते हैं. सेंटर में होगा तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगा. ये कप है जिसमें आप मड डालते हैं. ये ऊपर इसका ढक्कन हो गया जिसको इधर बोल रहा है एलआईडी लेड. ये इसका ग्रेजुएटेड आर्म है, ये राइडर है, इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं. और ये काउंटर वेट. अभी चेक करते हैं हाउ टू कैलिब्रेट मड बैलेंस. मड बैलेंस को किस तरह कैलिब्रेट करेंगे? सबसे पहले कहता है रिमूव द लिड फ्रॉम द कप एंड कंप्लीटली फिल द कप विद वाटर. सबसे पहले आप जो इसका कप है ऊपर से इसका ढक्कन हटाएं और इसको वाटर से कंप्लीटली फिल कर लें. नंबर सेकंड, रिप्लेस द लिड एंड वाइप ड्राई. अब ऊपर कवर लगा के इसको कंप्लीटली इसको ड्राई कर लें. नंबर थर्ड है जी, रिप्लेस द बैलेंस आर्म ऑन द बेस विद नाइफ एज रेस्टिंग ऑन द फल्क्रम. अब जो इसका बैलेंस आर्म है उसको आप जो ऊपर राइडर लगा हुआ था इससे आप इसको घुमाते जाएं और इतना रखें कि ये सेंटर में आ जाए. द लेवल शुड बी सेंटर व्हेन द राइडर इज सेट ऑन 8.33. जिधर सेंटर होगा उधर आप इसको रीड कर लें कि ये 8.33 पे इसको सेंटर होना चाहिए. अभी देखते हैं हाउ टू यूज मड बैलेंस फॉर वेट. उसी तरह रिमूव द लिड फ्रॉम द कप एंड कंप्लीटली फिल द कप विद मड. आप सबसे पहले कप का ढक्कन हटाएं, उसमें मड डाल लें. नंबर सेकंड है, रिप्लेस द लिड एंड रोटेट अंटिल फर्मली सेटेड, मेकिंग श्योर सम मड इज एक्सपेल्ड थ्रू द होल इन टू द कप. अब आप ऊपर ढक्कन लगाएं और उसको उल्टा करें कि जो कप के ऊपर जो होल है
वहां से नीचे कोई मड वगैरह नीचे ना आए. नंबर थर्ड है जी, वॉश और पाए और वाइप द मड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कप. जो कपों की साइड पे मड वगैरह लग गई उसको क्लीन कर लें. नंबर फोर है, प्लेस द बैलेंस आर्म ऑन द बेस विद द नाइफ एज रेस्टिंग ऑन द फुलक्रम. उसी तरह आप इसको बेस पे रख दें. नंबर फाइव है, मूव द राइडर अनटिल द ग्रेजुएटेड आर्म इज लेवल एंड इंडिकेटेड बाय लेवल व्हाइल ऑन द बीम. अब जो राइडर है उसको आप इधर उधर मूव करें यहां तक कि वो सेंटर में आ जाए. नंबर सिक्स है, एट द लेफ्ट हैंड एज ऑफ द राइडर रीड द डेंसिटी और आइदर साइड ऑफ द लेवल इन डिजायर यूनिट विदाउट डिस्टर्बिंग द राइडर. अब जब ये राइडर सेंटर में होगा तो आप इसके ऊपर जो स्केल लगा हुआ वहां से आप इसकी रीडिंग रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज मड विस्कोसिटी. द मड विस्कोसिटी इज टाइम इन सेकेंड ऑफ डीलिंग मड फ्लोइंग थ्रू द मार्श फनल विस्कोसिटी. अभी इसको देखते हैं, हाउ टू मेजर मड विस्कोसिटी. द मार्श फनल इज इजी टू यूज इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू क्विकली चेक विस्कोसिटी ऑफ द मड. एक हमारे पास इक्विपमेंट है जिसको मार्श फनल बोलते हैं. ये इसको मड वेट की विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसको आप पिक्चर में देखें, ये कुछ इस तरह का होगा, फनल टाइप का. अब आगे, हाउ टू कैलिब्रेट मार्श फनल. मार्श फनल को किस तरह कैलिब्रेट करते हैं. फिल द फनल टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन 1500 मिलीलीटर विद वाटर एट 70 डिग्री फारेनहाइट प्लस और माइनस 0.5 फारेनहाइट. टाइम ऑफ आउटफ्लो ऑफ द क्वार्ट 946 मिलीलीटर शुड बी 26 सेकेंड प्लस और माइनस हाफ सेकेंड. कि आप सबसे पहले जो फनल है उसको ऊपर स्क्रीन तक इसको कम्प्लीटली वाटर से फिल कर लें. इसमें 1500 ml वाटर आ जाएगा और जब आप इसमें से वाटर को निकालेंगे तो 26 सेकेंड में 946 ml वाटर आउट होना चाहिए. अब नेक्स्ट है जी, हाउ टू यूज मार्श फनल फॉर विस्कोसिटी. सबसे पहले विद द फनल इन अपराइट पोजीशन, फनल को ऊपर वाली पोजीशन में रखें. कवर द ओरिफिस विद द फिंगर एंड पोर द फ्रेशली कलेक्टेड मड सैंपल थ्रू द स्क्रीन इनटू अ क्लीन ड्राई फनल अंटिल द फ्लूइड लेवल रीच द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. आप सबसे पहले फनल को इस तरह सीधा पकड़ लें और जो उसके नीचे होल है वहां पे एक हाथ रख दें और इसमें ऊपर से मड के थ्रू इसको फिल कर दें. इमीडिएटली रिमूव द फिंगर फ्रॉम द आउटलेट एंड मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मड टू फिल द रिसीविंग वेसल टू 1 quart 946 ml लेवल. जैसे ही आप नीचे से हाथ हटाएंगे तो नीचे जो आपने वेसल रखी हुई है उसमें 946 ml जैसे ही उसका लेवल अचीव होगा आप फनल को साइड पे कर दें. रिपोर्ट द रिजल्ट टू द नियरेस्ट सेकेंड एज मार्श फनल विस्कोसिटी एट द टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट इन डिग्री फारेनहाइट और सेंटीग्रेड. अब इस 946 ml मड को फिल होने में जितना टाइम लगा है आप वो सेकेंड नोट कर लें किसी स्टॉप वॉच के थ्रू. तो ये इसकी विस्कोसिटी होगी. आई होप कि इस वीडियो से आपको मड वेट और मड विस्कोसिटी के बारे में समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह मेजर करते हैं किसी भी ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग पे. वीडियो देखने का शुक्रिया. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही इस चैनल पे नई वीडियोज अपलोड हों वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.